क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जांपल नंबर 10 कि यदि बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। आप ए बी सी डी को बिल्कुल सीरियल वाइज लेंगे, इसी क्रम में लेंगे, ए डी बी सी नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। P का मान, यहाँ ये P का वैल्यू दे रखा है, इसको निकालना है हमें। इफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। कैसे निकालेंगे बेटा? सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करने के बाद मैं यहां से एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूं बेटा। ये मेरा एक समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज के जो गुण होते हैं वो ये होते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और जो इसके विकर्ण होते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि समद्विभाजित करते हैं, आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां से देखिए मैंने ये लिख दिया ए बी सी और डी, इसी क्रम में लेने पर ए का वैल्यू आया 6 और 1, बी का वैल्यू है 8 और 2, सी का वैल्यू है 9 और 4 और डी का वैल्यू है 3। अब जब मैं इसके यहां से इसके डायगोनल्स को इस तरीके से कट करूंगा तो ये जो डायगोनल्स है यहां पर बीच में बराबर भागों में इस दोनों रेखाओं को काटेंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों और ये इसके बराबर होगी। समझ गए बात को बेटा? बात समझते हैं। अगर ये टोटल 8 सेंटीमीटर की है तो 4-4, अगर ये टोटल 6 सेंटीमीटर की है तो 3-3 बढ़ जाएगी। बात समझ। इसके निर्देशांक मान लीजिए ये पॉइंट O है और इसके निर्देशांक X और Y है, मैंने ये मानकर चल दिया बेटा। समझ गए बात को? बात को समझ गए। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स की दूरी निकाल रहा हूँ, ध्यान देना, मैं इन दोनों पॉइंट्स की दूरी निकाल रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो मैंने लिख दिया कि सबसे पहले मैं क्या इसको जब सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा कि O, O, O के निर्देशांक है X और Y। ठीक है बेटा, X और Y है और मैंने इसके निर्देशांक जब निकाले तो यहां से ये भी 1 होगा बेटा और ये भी 1 होगा। होगा कि नहीं होगा 1? अरे 1-1 होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि जितना ये उतना ये बराबर क्रम में होगा, क्योंकि बिल्कुल बीच में काट रहा है। तो जब ये यहां से इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा तो 1 उधर जाकर 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं 1 नहीं मानो डायरेक्ट 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 नहीं मानो डायरेक्ट 9 लिख सकता हूँ। फिर यहां से जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं प्लस में 6 लिख सकता हूँ। उसके बाद 1+1 भी लिख सकता हूँ। पहला पॉइंट निकल कर आ गया बेटा। समझ गए बात को भी नहीं समझ गए? उसके बाद जब मैं वापस से उसके पास जाऊंगा तो ये कॉमा लगाकर 1 × 4 = 4 आ गया। फिर 1 को इधर मल्टीप्लाई 1+1 बटे में क्या आ गया 1+1। बेटा क्या निर्देशांक निकल कर आए? एक्स और वाई के अलग अलग निर्देशांक निकल कर आ रहे। ठीक है बेटा, अब मैं ओ के निर्देशांक निकालने की बात कर रहा हूँ। तो ये कितना हो गया बेटा? एक्स और वाई 9 और 6 कितना हो गया बेटा? 15/2, कॉमा लगा दिया, 4 और 1 हो गया 5/2। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, यहां तक आप इसको एक नंबर लेकर चलो। अब देखो बेटा, मैं इन दो लाइनों से इस O के निर्देशांक निकाल रहा हूं, तो मैंने निकाल दिए वापस से O, वापस से X और Y के निर्देशांक निकालने हैं। तो मैं वापस से अब क्या किया, इसकी भी दूरी 1 है, इसकी भी दूरी 1 है बेटा। तो अब ये यहां से जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा? तो 1 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 आएगा, प्लस 1 को जब मैं P से मल्टीप्लाई करूंगा तो P आएगा, बटे में 1+1 कॉमा लगा दिया। उसके बाद 1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, प्लस जब 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा, और बटे में 1+1 ये भी आ गया। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 0x और y इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? यहाँ पर 8 + p बटे 1 और 1 2, कॉमा लगा दिए 2 और 1 2 और 3 5 बटे 2। देखिए बेटा, ये वैल्यू y की है, ये भी वैल्यू y की है, बराबर आ रही है। क्यों बराबर आ रही है? क्योंकि ये बिल्कुल बीच में काट रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है। बात समझ गए? अब इन दोनों को हम, इसको नंबर 2 दे दिया। अब मैं यहां लिखूंगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या लिखूंगा? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। जब दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं तो मैं लिख सकता हूं कि 1 व 2 से बाय 1 एंड 2। बेटा
ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो इधर की बराबर है ना, तो इधर दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। अब मैं इसको लिख देता हूँ कि 15/2, 5/2 बराबर होगा 8p, 8+p/2 और (5/2) बेटा ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू बिल्कुल बराबर है, तो ये दोनों वैल्यूज भी क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब तो मैं लिख सकता हूँ कि 15/2 बराबर है 8+p/2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैची गुणा कर देंगे, तो 2 से 15 को गुणा कर देंगे तो 15 × 2 = 30 बराबर में 2 को इस पूरे से गुणा करेंगे, 2 (8+p) तो बेटा जब 2 को इधर ये पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा हो रहा है, इधर आकर भाग हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट भाग कर देता हूँ कि 30/2 बराबर 8 + p, 2 × 2 = 2, 2 × 15 = 30। तो आपके पास आगे आइए कि 15 = 8 + p। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 15 - 8 = p, बेटा 8 इधर क्या हो रहा है प्लस, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 15 में से 8 गए 7 = p। ये आपका p का वैल्यू निकल कर आ गया, यही आपको निकालना था, समझ गए ना बात को, ठीक है। तो जो d के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 7 और 3 होंगे, समझ गए बात को। इस तरह से आप इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली बात लिखकर इन दोनों निर्देशांकों को, ये दोनों पॉइंट्स ना लिखकर इस निर्देशांक को और इस निर्देशांक को आमने सामने बराबर में रखकर भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, बट थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फिर एक साथ रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में, समझ गए बात को, होप समझ में आया होगा 10th एग्जांपल। अगली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 अच्छे से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नोट कीजिए, जय हिंद।